आज तक हो लल्लन टॉप हो, इन्होंने क्या दिखाया, ये MBBS डॉक्टर ने गोमूत्र पी लिया और गोबर ले लिया, गुनाह कर दिया, देश को अंधकार में डाल दिया। अरे आराम खारो, तुम रोज जानवरों को काट काट के खाते हो जब देश अंधकार में नहीं जाता है जी। और जिस गोमाता के गोमूत्र की ये बात करते हैं, जिस गोमाता के गोबर की बात करते हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे संसार को चैलेंज करता हूँ, गोमाता अगर रहेगी तो ये धरती बचेगी, ये सृष्टि बचेगी, नहीं तो कुछ नहीं बचने वाला है। जहाँ पे एलोपैथी एक चिकित्सा पद्धति है, सम्मान करते हैं हम भाई के रूप में उसका भी, लेकिन 70 वर्षों से अगर एक भी शुगर का रोगी ठीक किया हो तो बता दो, और मैं आपको 2000 शुगर रोगियों को मिलवा दूंगा। जहाँ कैंसर की बात करते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे हाथ खड़ा कर देते हैं, उसके बाद गोमाता की शरण में आके गोमूत्र पी के गोबर का रस पी के लोग जिंदा हुए हैं, तो ये अंधकार है या रोशनी दिखाने का कार्य है, ये समाज निर्णय करे। किसी के जीवन को बचाना अंधकार है या रोशनी है जी। किसी के जीवन को बचाना अच्छाई है या बुराई है, और एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ किसी के जीवन को खत्म करना, बकरे की बलि दे दो बकरीद पे, माता को बलि दे दो उस पे किसी को नहीं दिखता, जानवरों को मार दो वो तो रोशनी दिखाना, अंडे खाओ रोशनी दिखाओ किसी के, अरे छोटे छोटे जिसका भी बकरा बकरी बछड़ा जो काटा जाता है उनकी माताओं से पूछो आराम करो, तुम्हारे बच्चों को कोई काट के खाए तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतती है, जैसी तुम्हारे ऊपर बीतती है ठीक वैसे ही जब गोमाता का बछड़ा कटता है तो बीतती है, मुर्गी कटती है तो बीतती है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं आपको बारी बारी से, बहुत बढ़िया, आपको तो कर्मवार जी आंकड़ों की बात करूं तो केवल 6 शुगर रोगी जिनको मैंने हाथ छोड़ के कहा है कि भाई मैं ठीक नहीं कर सकता जी, जी। एक यहाँ पे मौजूद भी है। कैंसर की बात करूं 10,000 रोगियों में से केवल 100 रोगियों को मैंने कहा कि मैं ठीक नहीं कर सकता, 70% से अधिक ये गोमाता का गोबर गोमूत्र बचाता है जी। अगर कोई भी दूसरी चिकित्सा पद्धति बचा दे तो हम अंधकार में समाज को लेके जा रहे हैं जी। हार्ट की बात करूं तो ये रिपोर्टें भी मेरे पास है, नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, ये PGI रोहतक की रिपोर्ट है, 95% ब्लॉकेज, 70% ब्लॉकेज, 70% ब्लॉकेज, देविंदर नाम है, मोबाइल नंबर सबके डलवा दूंगा जी। और इसको दिन में 3 बार इंसुलिन लगती थी जी। इंसुलिन बंद हुई इसी गोमूत्र से और हार्ट का बाईपास रुका इसी गोमूत्र से। अब बताओ हम अंधकार में लेके जा रहे हैं या रोशनी की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे साथ दूसरे रोगी हैं, आ जाओ माता जी जी जी, बांदा से हैं, लगभग 3.5 महीने, कितने 3 महीने पहले इनको कैंसर था, डॉक्टरों ने बताया था, मेरे को तो रिपोर्ट भी नहीं पढ़नी आती, मैं तो यहीं से देख के करता हूँ जी। और अब 3 महीनों के बाद इनका कैंसर खत्म है, वो भी डॉक्टरों ने बताया, इनका बच्चा है, पूछ लो जी, कोई नहीं बोलना भाई, बिल्कुल बताएं एक बार खुद अपनी जबानी बताएं कि क्या व्याधि थी, कहां कहां चिकित्सा करवाई और फिर यहां से लाभान्वित हुए तो कितना आपको लाभ मिला। मेरी माता जी को सितंबर के पहले हफ्ते में अचानक से पेट के पास दर्द उठता है जो कि बैक तक जा रहा था जी, जी। और जिस कारण से मैं काफी परेशान भी था, तो मैंने पहले तो रात में जिला अस्पताल में आकस्मिक इंजेक्शन लगवाया जिससे इनको आराम लग गया। अच्छा। बट लेकिन मैं फिर इनको निकल गया झांसी लेकर के, जहाँ पर मैंने डॉक्टर फेमस है PK जैन जी को, वहाँ पर उनको दिखाया, फिजिशियन है सीनियर फिजिशियन, उनको दिखाया तो उन्होंने इनकी कई सारी जाँचें करी और उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी माता जी का किया जिसमें ये पाया जाता है कि इनकी एक गांठ है पेल्विश में ओवरी में। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, सिटी स्कैन किया क्लियरिफाई करने के लिए किया है, तो उन्होंने सिटी स्कैन कराया, देन इवनिंग मुझे पता चलता है कि इनको कैंसर है, वो भी ओवरियन कैंसर। तो उन्होंने कहा है किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को आप जाकर दिखाइए, तो मैं जस्ट 2 दिन बाद ही पहुंच जाता हूँ RML हॉस्पिटल लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। अच्छा। तो वहां पर डॉक्टर आकाश अग्रवाल जो कि कैंसर के स्पेशलिस्ट है वहां पर इनको देखते हैं, और उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट, वो भी कई जांचें कराते हैं और रिपोर्ट आती हैं, तो उसके बाद देन ये होता है कि हाँ इनको कैंसर है, बट और क्लियरिफाई करने के डेट मीन्स स्टेज पता करने के लिए, स्टेज पता करने के लिए वो कहते हैं कि बायोप्सी करना पड़े, मुझसे क्लियर नहीं किया था बायोप्सी, बट मैं थोड़ी सी रिसर्च इतने दिनों में कर चुका था 4 से 5 दिनों पीछे दिनों में कि क्या करना है, क्या होती है चीजें, तो मुझे गुरुकुल का पहले ही पता चल चुका, लेकिन मुझे जाना था कि मैं एक बार जाके देख के आता हूँ कि क्या वो करते हैं, अगर क्लियर है तब मैं गुरुकुल जाऊंगा ही। तो लेकिन जैसे मुझे पता चलता है कि इनकी बायोप्सी होना है तो मैं वहां से देन बैक हो जाता हूं, बायोप्सी नहीं कराता हूं और मैं सीधा गुरुकुल आता हूं, क्योंकि मेरी गुरुकुल में बात भी होती है एक दिन बाद ही जस्ट, और गुरुजी ने बताया कि संडे के दिन चिकित्सा होती है, तो मैं आता हूं और इनको दिखाता हूं, और गुरुजी ने मुझे देखते साथ ये भरोसा दिया कि आपकी माताजी की जो भी समस्या है वो लगभग 2.5 से 3 महीने में सही हो जाएगी, और भगवान की कृपा रही, और भारतीय संस्कृति का महत्व है कि माताजी मेरी रियल बात है कि 2.5 से 3 महीने में ही सही हुई, और इनको दर्द से आराम महज
कि एक महीने में लग गया था, 20 से 25 दिन में इनको दर्द लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका, लेकिन ट्रीटमेंट पूरा करना था तो मैंने 2.5 से 3 महीने पूरा इलाज किया। स्पष्ट एक सवाल है, उस पूरी चिकित्सा की जो आपने औषधियां ली उसमें गौमूत्र था? बिल्कुल, गौमूत्र था और गोबर भी था, जो गोलियों को फॉर्म में दिया था शायद वो गोबर ही था। मैंने पूछा कभी नहीं गुरु जी से, लेकिन मुझे आभास था कि ये गौमूत्र गोबर ही है और इनको मैंने टाइमली दिया और परहेज को बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ फॉलो करना चाहिए। लगा कि इनकी जो व्याधि है वो तकरीबन समाप्त हो गई? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। लगा? ये मुझे तब लगा जब 2.5 महीने बाद, यानी कि पिछली बार 2.5 महीने बाद, मतलब लास्ट नवंबर, मैंने 11 नवंबर के दिन इनका अल्ट्रासाउंड कराया था। अब बिल्कुल सही है, 11 नवंबर के दिन मैंने इनका अल्ट्रासाउंड कराया था, जिसमें मैंने ये पाया कि इनके अब किस तरीके की कोई भी गांठ नहीं है। जी जी जी। फिर इसके बाद मैं, गुरुजी ने कहा कि और भी जांच करा लीजिए आप, CA-125 मैंने कराई, लेटेस्ट रिपोर्ट इनके पास है, CEA की कराई मैंने रिपोर्ट, वो भी नॉर्मल आई। इस तरीके से तब मुझे ये आभास हुआ कि हाँ, मेरी माता जी की समस्या समाप्त। जीतू भाई, जीतू भाई, आपके माध्यम से यहाँ पे बहुत सारा मीडिया आया हुआ है, सबके माध्यम से मैं हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक गुहार लगाना चाहूंगा कि एक MBBS MD डॉक्टर होने के बावजूद मैं चाहता हूँ कि जो MBBS का कोर्स कराया है इंडिया में, भारत में MBBS का कोर्स कराया है, उसमें 25% रोल एलोपैथी का हो, 25% आयुर्वेद का, 25% नेचुरोपैथी का, बाकी योगा एंड लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन का। अगर ऐसा मॉडल होगा तो वो बड़ा ही प्रभावी मॉडल होगा, उससे पूरे देश की जनता का बड़ा फायदा लाभ होने वाला है। देखिए, आज की जो तारीख है, आज की डेट में 90% बजट, हेल्थ बजट, वो एलोपैथी को अलॉट होता है, और केवल 7-9% बजट में बाकी सारी पैथी आती हैं। अगर इसी तरह से हम जॉब अलॉटमेंट देखें तो 90% डॉक्टर्स, चाहे गवर्नमेंट के टॉप इंस्टीट्यूशन हो, एम्स है, PGI है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपोलो, मेदांता, गंगाराम या मैक्स हॉस्पिटल है, इन सब में 7-8% लोग ही शायद अल्टरनेटिव मेडिसिन के मिलेंगे, नहीं तो 90% डॉक्टर्स सारे एलोपैथी के ही हैं। तो मैं चाहता हूँ, ये तो जो विश्व स्तरीय जो संगठने हैं वो भी कह रही हैं कि आपको अल्टरनेट मेडिकल सिस्टम AMS पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब एलोपैथी थक रही है, हाथ खड़े कर रही है। तीन लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, ये तो WHO सरीखे संगठन जो डिसाइड करते हैं कि एलोपैथी है रहेगी या कौन रहेगा। दूसरा, देश की सरकारें, अब पहले की सरकारों से हमें ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब सरकार से उम्मीद है कि जैसे नई शिक्षा नीति आई है, वैसे ही नई स्वास्थ्य नीति की बड़ी जरूरत है पब्लिक को। आपके सामने लोग बता रहे हैं कि कैसे ये लोग लाखों रुपए खर्च करके भी, और पूरा हिम्मत हार चुके थे, इनका दिल टूट चुका था, और अब एकदम आशा की किरण जगी और अब इनको एकदम नया जीवन दान मिल गया। इस तरह से बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है। पहली है कि WHO शरीर की संगठन इस पर रिसर्च करें और सोचें और पब्लिक की डिमांड को समझे, आजकल की आवश्यकताओं को समझे। दूसरा है कि देश की सरकारें इसे समझे, और तीसरा, जो कॉरपोरेट लॉबी है, जो कि ड्रग माफिया है, जो कि दवाइयां बनाते हैं, उनका भी बड़ी खींचतान है कि भाई एक तरफ ही ध्यान रहे, लेकिन जो नेचुरोपैथी है ये सबसे सस्ती दवाएं और सबसे कारगर दवाएं और बिल्कुल साइड इफेक्ट जिनके नहीं है, ऐसी दवाएं हैं, तो इसमें इसके लिए कोई लॉबी साथ में नहीं है। लेकिन अगर जनता जागरूक हो जाएगी, जनता अपना लाभ और हानि पहचानेगी, तो जनता का साथ भी साथ में रहेगा, और वो सरकारों को भी झुकाने के लिए मजबूर कर देंगी, और WHO शरीर की संगठनों को भी सोचने पे मजबूर कर देंगी कि नहीं, हमारी आवश्यकता तो प्रकृति का जीवन है। हमारे भारत वर्ष में गोमूत्र, गोबर, गाय के नाम पर मखौल किया जाता है, जबकि जो दूसरे विकसित देश है वो उन पर पेटेंट ले रहे हैं। हाँ जी, ये जागरूकता का भाव है, जो आज की मीटिंग की गई, संगोष्ठी की गई है कमलकांत जी के द्वारा, ये बहुत बड़ा एक कदम है। मेरे को लगता है कि आने वाले 5-10 वर्षों में ही भारत विश्व गुरु बनने वाला है। वो पीपल का पेड़ हो, त्रिवेणी हो, एक त्रिवेणी 1000 पेड़ों के बराबर है, जो जंगली जो पेड़ होंगे 1000 उनके बराबर एक त्रिवेणी है, जहाँ बड़ पीपल नीम लग जाते हैं। इसी तरह से एक गाय माता 7 एकड़ जमीन को खाद दे सकती है, 100 एकड़ जमीन को जो अनचाहे कीटाणुओं से बचा सकती है। तो इसलिए अगर एक गाय माता इतना उधार कर सकती है, तो क्यों ना इसके बारे में रिसर्च हो। क्या केवल अंडे के ही रिसर्च करना मानव जाति का काम रह गया है? मानव जाति की जिसमें भलाई है, प्राकृतिक चिकित्सा में और जो जड़ी बूटियों में अगर भलाई है, तो इसके ऊपर खूब रिसर्च होनी चाहिए, और इस चीज के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी संगोष्ठियां भारत के हर प्रदेश में हो, हर जिले में हो, हर महीने हो, जिससे कि बड़ी तेजी से जागरूकता आए, और मुझे लग रहा है ये काम कमलकांत जी जैसे योद्धा करेंगे और पूरे देश का नाम करेंगे। तो आयुर्वेद कहा गया,
कहा गया है युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुखा योगो भवति दुखा हा। अर्थात जीवन को आहार विहार विचार आपके इस तरह से अगर अनलाइन है कि आप वो बीमारियां आएंगी, बीमारी आएगी नहीं, जबकि एलोपैथी में जो आज की डेट में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो इन चीजों को इसलिए शायद मुझे लगता है कि नहीं बता रहे, क्योंकि उनके जो गगनचुंबी जो हॉस्पिटल्स हैं फिर कहीं न कहीं उनका खर्चा, आप एक चीज देखें, मैंने एक MBBS डॉक्टर और एक MB, ये पूरी पढ़ाई कितनी खर्चीली प्रक्रिया है। मैंने MBBS किया, एक युवा क्यों करेगा जब तक इसमें अर्थ का उसको धनोपार्जन नहीं होगा तो वो इस 7 साल जीवन के क्यों जलाएगा। मैंने MBBS किया, MD किया, कहीं भी नहीं ये पढ़ाया जाता कि आहार के नियम क्या है, क्या हमें सर्दियों में कैसा भोजन करना चाहिए, हमें गर्मियों में कैसा भोजन करना चाहिए, हमें रात में भोजन करना है, दिन में भोजन करना है, विरुद्ध आहार क्या है, भोजन के साथ पानी नहीं पीना, और हमारे तो शास्त्रों में लिखा है आहार शुद्धो शत शुद्धि शत शुद्धो ध्रुव स्मृति। तो अगर आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इन चीजों का पालन, छोटे छोटे नियमों को देखिए, जो 10वीं क्लास का सिलेबस है, 12वीं क्लास का सिलेबस है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ाया जाएगा, अमेरिका के बारे में पढ़ाया जाएगा, चाइना के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अपने बारे में नहीं पढ़ाया जाता कि हमारा खान पान रहन सहन कैसा हो। अगर ऐसी पढ़ाई, हमें गर्भ संस्कार का महत्व पता होना चाहिए। जब मेरी जो वाइफ है, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने 5 बार भगवदगीता पढ़ी, 2 बार 5 बार रामायण पढ़ी, 2 बार भगवदगीता पढ़ी, तो बेटी को भगवदगीता साक्षात पूरी याद हो गई। कोई 1 लाख रुपए में भी भगवदगीता याद नहीं करवा सकता, लेकिन गर्भ संस्कार ऐसे होते हैं जिनका अमित छाप छूट जाती है, जो हमारा DNA है, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है। अगर हम गर्भावस्था में जंक फूड खाएंगे, उल्टी चीजें खाएंगे, तो वही तामसी बुद्धि के, अगर टीवी सीरियल देखते रहेंगे हमेशा तो वही बुद्धि वैसी बनती है बच्चों की। तो इस चीज की भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का समय आ गया है और अब ये तेजी से होने वाला है। पहली बार सोशल मीडिया का फायदेमंद उपयोग होगा, अच्छा उपयोग होगा, जिससे कि इस भारतीय संस्कृति का सिक्का पूरे विश्व में, क्योंकि ये पिछले दो साल का जो महामारी का समय था उसमें दिखा दिया भारतीय संस्कृति ने कि गिलोय का काढ़ा पी के, गोमूत्र पी के ही ये भारत जैसा देश, जो कि फाइनेंशियली बड़ी पुअर कंडीशन थी, इटली जैसे देश जहाँ पे संसाधनों की कमी नहीं थी, जहाँ पे पूरे वेंटिलेटर थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे डेड बॉडी निकलती गई हर गली में से, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ की बड़ी ही गरीबी की अवस्था थी, फिर भी जो भारतीय संस्कृति ने उसके परचम को लहराया और इसको इस आपदा से बाहर निकाला, और अब देश पूरे विश्व के लिए एक रास्ता बन के खबर के आया सामने कि पूरा विश्व चिकित्सा आयुर्वेद या गोवा समग्र चिकित्सा है। आप इस चीज को समझें कि वो न केवल आपको उस चीज की गुणवत्ता बताती है, लेकिन किस समय किस औषधि का कैसे सेवन करें तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ जो मिलेगा। तो कमलकांत जी, एक बार भाई मेरे पास और केस है। जी तो भाई मेरे पास एक और केस है, फरीदाबाद से आए, ये जी ब्लड कैंसर के रोगी थे, CML मल्टीपल माइलोमा था जी, बिल्कुल ठीक हुआ गौ माता की कृपा से जी, ना कीमो लिया ना कुछ लिया जी, और 6 महीने कितना समय हो गया दवा छोड़े, दवा छोड़े वो सितंबर से छोड़ा, सितंबर से इन्होंने दवा छोड़ रखी है जी। तो आपके सामने एक और उदाहरण है, और एक और बात बताता हूँ, एलोपैथी में कीमो देके रोगी को छोड़ देते हैं, कोई ये भी नहीं देखता कि आगे हुआ या नहीं हुआ। मेरे यहाँ से हम हर 3 महीने में रोगी को फोन भी करते हैं, कोई छोटी मोटी समस्या आए, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार कैंसर हुई, दोबारा से थोड़ी रिपोर्ट अप गई, डॉक्टर के पास गया, ट्राई का तुरंत कीमो ले लो, तुरंत कर लो, ताकि 3 महीने में मैं उसे चेक कर सकूं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत आती है, क्योंकि बीमारी गंभीर है, इसमें कोई संकट वो नहीं है, बीमारी गंभीर है। हमारे यहाँ भी रिपीटिंग के 2 केस हुए हैं, पहले नहीं होते थे जब तक मैंने नहीं कहा, अब 2 केस हुए हैं, एक बिहार का केस हुआ है, तो रिपीटिंग हमारे यहाँ भी होती है, तो हम उनको दोबारा बिला के ठीक कर देते हैं। लेकिन एलोपैथी के अंदर अगर कीमो ले ली और वो रोगी ने गैप दे दिया, एक और मैं चीज बताता हूँ, कीमो लेने के तुरंत बाद अगर वो प्राकृतिक चिकित्सा के शरण में आ जाता है, गोमाता की शरण में आ जाता है, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, जो व्यक्ति खाट पे पड़ा था जी, जी। वो कैसे चला था 3 महीने में, तो ये आपके सामने है। तो और... कहाँ से आए हैं, दो सवाल में, फरीदाबाद से आए हैं, तो आपकी जो व्याधि है उसमें फर्क है? हाँ जी, काफी फर्क, रिपोर्टें सब नॉर्मल हो चुकी है, दवा छूट चुकी है, दवा छूट चुकी है, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद, वहाँ कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला, वहाँ उन्होंने तो कीमो 20 कीमो बोली थी, ये बोले बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराओ, गुरुजी के पास आए थे, तो गुरुजी ने हमें आश्वासन दिया कि आप ऐसा कुछ मत करिए। तो डॉक्टर साहब, मैं फिर एक बार आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँ, ये कैसी चिकित्सा है जब किसी का लीवर खराब हो जाता है, या मान लीजिए किडनी खराब हो जाती है, तो उसको कहते हैं या तो काट के उसको बाहर फेंक दो, या किसी की मांग करके ले आओ उसको ठीक,
चिकित्सा का तो सही मायने में अर्थ तब होता है जब खराब हुई चीज को ही अगर आप ठीक कर दें या उसको चिकित्सा सही मायने में। हमारा शरीर जो है पांच मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है जी, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनका असंतुलन होना ही एक बीमारी का नाम है। वात पित्त कफ दोष का असंतुलन होना ही बीमारी, सप्त धातुओं का असंतुलन, उसे संतुलन करने की जो जो शक्ति है वो तो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में ही है। एलोपैथी में तो जो एक्स्ट्रा चीज है उसे काट दो और जो चीज कम है तो उसको फेंक दो निकाल, तो उससे जो कीमती अंग हमारे जो करोड़ों रुपए के अंग हैं तो उनको अगर हम उनकी रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वो केवल प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में ही है, तो उसका पूरे समाज को के सामने ये चीज खुलासा करना पड़ेगा कि काफी हद तक अगर वैसे व्यक्ति की खुद की विल पावर भी बड़ा इसके ऊपर डिपेंड करती है, अगर व्यक्ति वो कर ले तो अपने पांचों तत्वों का दोबारा से संतुलन कर सकता है और उसमें आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा उसका सहायता है। तो प्राकृतिक फिर समझे, प्रकृति जो कहा गया है कि यस्य देशस्य सो जंतु सत्यजम तस्य औषधम हितम, मतलब जो जंतु जहाँ पर जन्म लेता है वहीं की औषधि उसके लिए सर्वाधिक गुणकारी होती है। ये है, ये साफ सुस्पष्ट लिखा। आज ब्रोकली खाते हैं, आज फलाना कली खाते हैं, वो विदेशी सब्जियां हैं, वो हमारे यहाँ की नहीं है। ये जो पीछे आप दरखत देख रहे हैं, जाटी का पेड़ है, इसकी जो गुणवत्ता अगर हम देखें, इसका सांगर लगती है, इसकी सांगर की सब्जी खाती है, और जिस खेत में ये होता है उस खेत में हमेशा ये पैदावार आपको ज्यादा देखने को मिलती है। बजाय कि कहा जाता है कि पेड़ की जो छाया है वो फसलों को नुकसान करती है, लेकिन ये जाटी का साक्षात देवता वृक्ष यहाँ पर माना जाता है। हर खेत में आपको ये यहाँ पर आठ आठ दस दस पेड़ मिलेंगे, क्योंकि इसका जो प्राकृतिक जब पत्तियां गिरती हैं तो खाद लगता है और इसके नीचे फसल हमेशा ज्यादा होती है, निश्चित रूप से। तो ये यहाँ की ये यहाँ का पौधा है, इस जलवायु में पाया जाता है, अन्य जलवायु में नहीं पाया जाता। तो हम क्यों इधर उधर की जलवायु की चीजों के बने भागी कि वहाँ का ये खाएंगे वहाँ का ये खाएंगे, जैसे शास्त्रों में धर्मो रक्षति रक्षिता, इसी तरह से है प्रकृति रक्षति रक्षिता। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो हमारी तो इंश्योरेंस हो गया, हमारा खाली खाली बीमा कंपनी के कराने से इंश्योरेंस नहीं होगा, हमें प्रकृति का शरण लेनी है, प्रकृति को साथ में लेके चलना है, फिर तो हमारा इंश्योरेंस होगा। 100 वर्ष तक बीमारी नहीं हो सकती अगर हम प्रकृति के साथ। और जीतू भाई नहीं, और तो मैं लाइन लगा दूंगा आपके सामने, अभी वो जो थे जिनका 35 किलो वजन आ गया था उनको एक बार जरूर बुलाएं, एक बार आ जाएं, आ जाएं मौके पर, सचेत जरूर रहें जी, बताएं व्याधि बताएं। और इनका 35 किलो वजन आ गया था जीतू भाई जी, और मुझे भी यकीन नहीं था ये बच जाएंगे, अब इनकी दवा छूटे कम से कम 5-6 महीने हो गए, वजन देख लो जी। आपसे मैं जानना चाहूंगा, शुभ नाम बताएं, कहां से आए हैं? सदन सिंह ने सुपरा से, जिला बताएं, रेवाड़ी से आए हैं। तो क्या दिक्कत थी आपकी, कितना वजन आ गया था? मेरे 35 किलो वजन होगा, मात्र 35 किलो वजन। अच्छा, और मैं 1.5 साल गुरु जी की दवाई ली। अच्छा, और 20-25 दिन दवाई लेते लेते ही आराम हो गया था, आराम हो गया था। अभी पूर्णतः स्वस्थ है? अब मैं 7-6 साल दवाई लेते हैं, दवाई बंद है, 7 महीने से दवा बंद है, दवाई बंद। मेरा 65 किलो। तो फिर गाय गोबर करोगे या फिर इनका सम्मान करोगे? सम्मान करें, गाय गोबर लेंगे। लोग बोलते हैं कि गाय गोबर, आज भारतीय समाज में और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, गाय गोबर करते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, 35 किलो वजन, आपको तो दूसरा जीवन मिला है, दूसरा जीवन मिला है, तो तकरीबन अब कितना किलो वजन है? 65 किलो। 65 किलो सारा काम करते हैं? टोटली टोटली काम करते हैं। तो ये समाज में से साक्षात उदाहरण है उनके लिए जो मखोल बनाते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, गाय एक चलता फिरता औषधालय है, अगर आप इस चीज को समझ पाए तो आपके घर में बीमारियां ज्यादा नहीं आ पाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो भाई एक केस मेरे पास और है, अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं जितना है उतना ही बताऊंगा जी। बताएं, इनकी धर्म पत्नी जो थी, अच्छा, डॉक्टरों ने मेदांता हॉस्पिटल था, मेदांता में डॉक्टरों ने बोला, एम्स मेदांता सबने बोला कि वो काटेंगे, क्या होता है, क्या काटने के लिए बोला था? रेक्टम का, रेक्टम काट के जिंदगी भर के लिए लैटरिन की थैली लटका देंगे। अच्छा अच्छा, और अब कितना समय हो गया यहाँ? 7 महीने करीब, 7 महीने हो गए। कहाँ से आए हैं आप? कितने? रोहतक से आए। रोहतक से आए। शुभ नाम क्या है आपका? सुरेंद्र सिंह राठौर। तो आपकी जो जोड़ीदार हैं, धर्मपत्नी जो हैं, उनकी समस्या होगी? हाँ जी। अच्छा, उनकी समस्या होगी। कितने दिन से यहाँ से आप उपचार ले रहे हैं? 7-8 महीने करीब हो गए। तो आचार्य जी इनको क्या क्या औषधि में क्या देते हैं? इम्पोर्टेंट जो घटक, गोबर का रस, तो गोमूत्र पीते वक्त, नरनवा, कचनार, सर्पगंधा, अश्वगंधा, ये सब जो प्रकृति माँ ने दिया है, जो गो माँ ने दिया है, सब मिश्रित करके सब। और बता देते हैं आपको, सुरेंद्र भाई जी, ये हाँ, इनका तो एक पूरा विस्तार में एक छोटे से शब्दों में बता देता हूँ आज, सिर्फ भाई क्योंकि
गौ माता के ऊपर प्रश्न उठाता, गौर पे प्रश्न उठाता और एक सच्चे इंसान पे, भारतीय संस्कृति के एक सच्चे योद्धा पे प्रश्न उठाता, इसलिए हमें तलवार उठानी पड़ी। ये चौथी स्टेज का रोगी था, आप दिखा भी चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, 6 महीने करीब इनको भी हो गए दवा बंद हुए हुए, ठीक है जी। इसके अलावा मैं नंबर बोल देता हूँ, आज रोगी नहीं है, आप जाके उनके घर पे वेरीफाई कर लेना। हंसराज है दिल्ली से, 95-82-78-29 फोर्थ स्टेज के कैंसर रोगी है, ठीक हुए हैं जी। ये देखिए लंबी लिस्ट है, उदयराम सिरसा से हैं, सौभाग्यवती इनकी बेटी MBBS डॉक्टर है, अच्छा। कहाँ पे SMS में, अच्छा। 3 बार आंत काटी, कीमो लगाई, चौथी बार फिर होगी, फिर हमारी शरण में, गोमाता की शरण, अच्छा, में आई। ये हैं, ये सौभाग्यवती के संपर्क सूत्र हैं, ये सौभाग्यवती इनकी बेटी SMS में MBBS डॉक्टर है, SMS हॉस्पिटल। ये मदन है पलवल से, बिल्कुल काला शरीर पड़ गया था, आज भी जिंदा है, ठीक है। ये युवराज, ये निधि है ऊना से, ये लो, ये सारी आप दिखा लो, बोलूंगा तो मेरा गला इतना ही बच रहा है, टाइम इतना ही बच रहा है, तो ये देखें। और एक मिनट को और दिखाता हूँ भाई जी, उनकी छाती भर देनी है अपने को, बस कितनी जल्दी पहुँचते हैं ये, यहाँ से ले लो आप, ये सारे कैंसर के रोगी हैं, आप दिखा दो, जिसकी छाती में दर्द हो रहा हो ना गोबर गौमूत्र पीने से, इनसे जाके मिल लेना। तो ये संपर्क सूत्र वीडियो को पॉज करके आप निकाल लेना और इनसे संपर्क करके पूछ लेना, पूछ लेना कुछ आपको लाभ गो चिकित्सा से मिला है, आयुर्वेद। हालांकि ये फोन करने वाले खून पी जाते हैं जी, जी, बार जी। बार करके सुरेंद्र भाई की हालत खराब कर रखी, लेकिन क्या करें, जब भारतीय संस्कृति को रक्षा करने वाले 1% लोग बचे हैं और उनके साथ भी अगर कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये दर्द मैंने झेला है कि जब हम संकट में थे हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, खड़ा हुआ सिर्फ गौ माता प्रकृति माँ। लेकिन अब मैं आपको वचन देता हूँ, इस राष्ट्र में जब भी कोई अच्छे कार्य के लिए खड़ा होगा, उसके संकट आएगा, तो सबसे पहले मैं, तो एक बार प्रकृति माँ का पुत्र खड़ा हूं। यहाँ पर जो जनमान्य उपस्थित है डॉक्टर मनोज मित्तल साहब के साथ एकजुटता यहाँ पर दिखाते हैं, और एक बार रिपोर्ट भी देखनी हो ना, जयकारा जरूर लगाएंगे। रिपोर्ट, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी तो भाई, अगर किसी को रिपोर्ट देखनी हो तो ये फाइल है, ये भी देख सकते हो क्रमवार, आप वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी सारी। आप एक बार पन्ने पलट दें, हाँ पलते रहो, आप ही चले जाएं, ठीक है, आप ही पलटो। बाकी जिसको पैथोलॉजी की भी रिपोर्ट है, सर्जिकल रिपोर्ट भी है, न्यूक्लियर मेडिसिन की रिपोर्ट है जी, तरह तरह की सारी ब्लड टेस्ट की भी रिपोर्ट है जी, जी, जी। शुगर की, और इंडिविजुअल एक एक रोगी का अगर आप इंटरव्यू करो तो हर संडे को 10-12 मैं आपको दे दूंगा, आप डालते जाओ और करते जाओ। बड़ी लंबी लिस्ट है, हेमाटोलॉजी सीरोलॉजी सारी रिपोर्ट है इसमें। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ जीतू भाई जी, अगर इस राष्ट्र में इस समय इस आजादी के बाद भारत को शरीर की गुलामी से आजाद करवाने के लिए 7,32,834 क्रांतिकारियों ने शहादत दी थी जी, और जो उनके सारे सपने अधूरे रह गए थे, उनकी सबकी आत्मा रो रही है ऊपर, चाहे वो महाराणा प्रताप हो चाहे वो भगत सिंह हो जी, उन अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए परमात्मा ने उनकी सबकी आत्मा एक आदमी में निचोड़ के डाल दी जी, और उस व्यक्ति का नाम था राजीव दीक्षित जी। अकेला चला था जी, पूरे विश्व को चैलेंज किया, पूरी एलोपैथी को चैलेंज किया, सरकारों को चैलेंज किया, कंपनीज को चैलेंज किया, और जी वीर गति को प्राप्त हुआ। लोगों ने ये कल्पना की थी कि भाई राजीव दीक्षित मर जाएगा, ये सोचा नहीं था कि जिस दिन भाई राजीव दीक्षित मरेगा हर गांव से राजीव दीक्षित निकलेगा और तुम्हारी छाती पे कील ठोकेंगे। राजीव दीक्षित हमारे, राजीव दीक्षित हमारे। तो काफी अच्छा साक्षात्कार, काफी अच्छी चीजें सीखने को मिली। एक डॉक्टर साहब और हैं यहाँ, डॉक्टर तरुण कोठारी, तो कहीं न कहीं साक्षात्कार इनके बिना अधूरा रह जाता। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ये पूरा एक आयुर्वेद का या फिर कहें कि गो का या फिर कहें कि गो पंचगव्यों का एक मखोल के तौर पर इसे देखा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वैक्स हैं। क्वैक्स, क्वैक्स का हिंदी अनुवाद झोला छाप डॉक्टर, वो मात्र हैं, बाकी इनका कोई सत्यता नहीं है, इस तरह से कह दिया जाता है। तो क्या एलोपैथी के पास 100% इलाज है? जब एलोपैथी तो चार्ज लग रहा है जो एलोपैथी की मेडिसिन जो होती है जी, ये मेडिसिन आती कहाँ से जी? एक केमिकल फॉर्मूला जो होता है जी, अल्टीमेटली उनको कैसे पता चलता है कि ये वाला केमिकल फॉर्मूला इस जगह इस बीमारी में सही रहेगा जी? होता है क्या है कि पूरी दुनिया में लोग घूमते रहते हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अफ्रीका हो, जहाँ जहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है वहाँ वहाँ
से उस चीज को उठाते हैं, उसमें से केमिकल निकालते हैं और अपना केमिकल बनाते हैं। जी जी, बात समझ रहे हैं आप जी। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति क्या करती है, अगर ऐसा थोड़ी सकता है एक केमिकल पर्टिकुलर केमिकल बिल्कुल इसमें ये फीवर कम हो जाएगा, ये चीज कम हो जाएगी, पूरी दुनिया में इनके एजेंट घूमते रहते हैं। इंडिया से उठाएंगे भाई, ये शास्त्र पढ़ लिया, चीन में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, उसके बाद वहाँ जो लोकल मेडिसिन चलती है, लोकल सदियों से जो वहाँ के लोग यूज करते हैं उसी को अध्ययन करते हैं, उसमें से एक केमिकल निकालते हैं, उस केमिकल को वो बताते हैं हमारी मेडिसिन है, हमारी ब्रांड है, और उसके बाद उसका प्रचार शुरू होता है और डॉक्टर्स के माध्यम से डॉक्टर्स को कई तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं, डॉक्टरों को कई तरह के कमीशन दिए जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर का पेन चलता रहता है, वो चीज चलती रहती है, ये एक सिस्टम बन गया है। हो सकता है कि जब शुरुआत हुई हो एलोपैथी की तब ठीक हुआ हो, पर अभी जो स्थिति है वर्तमान के अंदर एलोपैथी चिकित्सा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है। ये जो बुक्स लिखी जाती है, एक लड़का 18, 19, 20 साल का मेडिकल कोर्स जो पढ़ता है उसे कुछ पता नहीं होता, वो सोचता है बुक्स ही भगवान है, वो तो कहता है बाइबल है हमारी, हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो सब कुछ सही है। बुक्स लिखने वाला कहता है कि हमने लिखा हुआ है, किसी जर्नल में छपा हुआ है, लेकिन वो जर्नल में छपी हुई चीज जो होती है वो किसी न किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के एजेंट के द्वारा मॉडिफाइड होती है, मैनिपुलेटेड होती है या सपोर्टेड होती है, तो वो उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं। आज एक दवाई आती है 5 साल बाद, डॉक्टर 5 साल बाद कहते हैं कि भैया इसके साइड इफेक्ट आ गए हैं, अब ये नवी दवाई आ गई है, उसके 5 साल बाद क्यों इसके ये साइड इफेक्ट आ गए, अब ये नवी दवाई आ गई है, ये चलता रहता है। डॉक्टर्स कंफ्यूज होते रहते हैं, बेवकूफ बनते रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कौन बेवकूफ बना रहा उनको। इस प्रकार से एलोपैथिक चिकित्सा में सिर्फ जनता का शोषण नहीं हो रहा है, जनता के साथ साथ जो चिकित्सक है जो वास्तव में अपने मरीजों की चिकित्सा करना चाहते हैं उनका भी शोषण हो रहा है, अनजाने में उनको बात पता नहीं है। रही बात आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सदियों से चली आ रही है, ऐसी बात तो नहीं कि आज पैदा हुई है। हमारे ऋषि मुनि ने क्या, हमारे ऋषि मुनि गौमूत्र पीकर के हजारों वर्ष जीते थे, तो गौमूत्र आधारित चिकित्सा भी अपने आप में एक चिकित्सा है, यह प्राचीन समय से वेरीफाइड है, तो लोगों को इसका मखौल मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए। जो नहीं समझते हैं, जिनको नहीं पता है, देखें, आए रिसर्च करें, अपनी बात शोध करें, 5 पेशेंट को गौमूत्र दे और 5 पेशेंट को कुछ और चिकित्सा दे, फिर बताए किसमें ज्यादा आराम पड़ा, तब तो बात समझ में आएगी। तो बगैर उस बात को कहे ये कहते भैया ये ठीक नहीं है, तो ये कुछ चैनल्स हैं जो कि वेस्टर्न सपोर्टेड है, अब नाम लेना ठीक नहीं है, तो वो इस प्रकार की बातें कहते रहते हैं। जनता को आप सावधान होने की आवश्यकता है, अगर एलोपैथिक चिकित्सा से आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप निश्चित तौर से आयुर्वेद की तरफ जाइए, नेचुरोपैथी की तरफ जाइए और अपना इलाज करिए। बहुत बढ़िया।